हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है छोले टिक्की चाट, जिसे खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था और मैंने इसे फटाफट बना लिया। इसकी बहुत ही आसान है रेसिपी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस चाट को, चटपटी चाट को। यहाँ पर मैंने लिया है वाइट मटर, 1.5 कप के आसपास मैंने ये लिया है। उसके रात भर मैंने इसे भिगो दिया था अच्छे से, तो बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। तो हम इसे क्या करते हैं ना, झटपट से छोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। एकदम फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, तो हम फटाफट बनाकर छोले तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे और उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे हम। बहुत मोटे प्याज के स्लाइसेस मत रखिएगा। तो हमने डाल दिया है यहाँ पे प्याज। अब उसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टमाटर को भी हमने बारीक ही कट कर लिया था और उसको भी डाल दिया। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मतलब 2 टमाटर डाल दीजिए। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिए हैं और जीरा पाउडर डाल दिया है, ये रोस्टेड भुना हुआ जीरा पाउडर है, घर का जीरा पाउडर है 1 चम्मच। और हींग डाल दिया है 2 पिंच, इसे डाइजेशन में बहुत ही मदद मिलेगी। लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1.5 चम्मच और सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको देखने से ना अभी से ही चाट वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल चटपटी सी चाट। अब डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि नमक के बिना तो बिल्कुल ही पूरा नहीं होने वाला है। हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच और फिर से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, फटाफट से बनने वाली छोले की रेसिपी एकदम से बिल्कुल सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 कप, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है। तो ये देखिए, मिला दिया है इसको अच्छे से और अब हम इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 4 से 5 सीटी आने तक पकाने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से ये पक जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकेगा और बहुत कम भी नहीं पकेगा। अब हमने ले लिया यहाँ पे पैन और यहाँ पे हम कर लेंगे मसाला तैयार। इसके लिए डाल दिया है मैंने यहाँ पे जीरा और 4 से 5 लाल मिर्च। ये जो मसाला बनकर तैयार होता है ना, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल ठेले वाले चाट की याद दिला देता है ये मसाला। और अब हम इसको ठंडा करने के बाद पीस लेंगे। ये देखिए, ये जो मसाला है अच्छे से हमने इसको दरदरा ही रखा है, बहुत पाउडर नहीं किया है। ये देखिए, दरदरा हमारा पाउडर मसाला बनकर तैयार हो चुका है। चाट बनाने के लिए अब हमें चटनी की ज़रूरत है, तो हमने पहले डाल दिया है यहाँ पे पुदीना। अब हम डाल रहे हैं इसमें धनिए की पत्ती को और इसके साथ हम डाल देते हैं लहसुन 4 कलियाँ और अदरक 1 इंच। यहाँ पे हमने अदरक डाल दिया है, बूंदी डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। नहीं चाहें तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च तो नहीं, हरी मिर्च हमने यहाँ पे डाली है 4, साथ में 2 चम्मच नींबू का जूस भी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब इसका बिल्कुल एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी बिल्कुल स्मूथ सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको जैसे भी ज़रूरत लगे, आप उसमें थोड़ा पानी मिला दें और उसके बाद आप इसको चाट के ऊपर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है आलू, जो हमने पहले बॉईल कर लिया था और उसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो यहाँ पे 4 आलू लिया था और उसको बॉईल करने के बाद इसको फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लिया। अब डाल देंगे इसमें 1/4 कप हरा धनिया, 3 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट करके डाला है। अगर आपके बच्चे खाते हैं तो डालें, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर दें। और हमने जो मसाला तैयार कर दिया था किया था उसको भी 1 चम्मच डाल दिया है। रेड चिली पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच और यहाँ पे नमक डाल देते हैं 1/2 चम्मच। तो देखिए, पूरी तरीके से हमने यहाँ पे मसालों को डाल दिया है और लास्ट में ये बचा जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच। अच्छे से हम सबको मिक्स कर देंगे आलू के अंदर। ये आलू ना थोड़ा सा गीला जैसा है तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। वैसे भी कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाल देने से क्या होता है ना, जब आप आलू की टिक्की बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो वो फैलेगी नहीं, इसीलिए कॉर्नफ्लोर ज़रूर डाल दीजिए, आलू गीला हो तब भी और नहीं हो तब भी। तो ये देखिए, हमारा आलू का बिल्कुल मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। लास्ट में इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला और ये लीजिए, आलू का मिक्सचर पूरी तरह से बनकर तैयार है टिक्की बनने के लिए। तो अब देखिए, छोले को भी हम देख लेते हैं एक बार निकाल कर। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मटर पक चुके हैं, मतलब हमारा जो छोले है, इंस्टेंट छोले जो हमने बनाया था, वो बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें मटर भी दिख रहे हैं और थोड़े से गले भी हुए हैं, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो बढ़िया सा हमारा छोले बनकर तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ पे टिक्की बना लेते हैं। पैन में हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है
बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से अलट पलट कर हम इसकी टिक्की को सेक लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और करारी ये टिक्की बनकर तैयार होती है। तो अलट पलट कर इसे हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए क्रिस्पी और टेस्टी यहाँ पे टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और अब हम यहाँ पे चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से पहले चम्मच से इसको दबा देंगे ताकि इसके ऊपर हम छोले डाल सकें। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म टेस्टी, वाह वाह, मुँह में पानी आ रहा है मेरे को बोलते हुए भी। छोले मैंने इस पर डाल दिया है और अब इसके ऊपर हम हरी धनिया की चटनी को डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि इसको डालने में आसानी हो। दही डाल देंगे, ये भी हल्का सा पतला दही है, मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसके बाद डाल दिया इसको। ये इमली की चटनी है, मैंने बनाई थी इस इमली की चटनी को घर में ही, और वो जो हमने मसाला तैयार किया था उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से मसाले को डालेंगे ताकि इसमें एक बढ़िया सा टेस्ट आए। बिल्कुल बच्चे ठेले वाली चाट को मिस ना करें। और प्याज डाल देते हैं इसके ऊपर, बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरी धनिया को डाल देंगे। हमने धनिया को भी कट करके बारीक रखा हुआ था। एक पूरी है जो हम पानी पूरी खाते हैं ना, वो पूरी मैंने उसको भी क्रश करके डाल दिया है ताकि एक क्रिस्पी बनाए जब हम चाट खाए। तो बिल्कुल जीरो साइज़ वाला सेव है, वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इमली की चटनी वापस से डाल दिया और ये अनार के दाने, और ये रहा हमारा जुलियन कटिंग में कटा हुआ बीटरूट। सबको मैंने अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया है और बहुत ही बढ़िया लाजवाब टेस्टी सा चाट बनकर तैयार हो चुका है। तो आप सबको मुंह में पानी आ रहा होगा, फटाफट उठिए और आज ही इस चाट को बनाइए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग भी लग रहा है देखने में, और खाने में तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप वो मसाला बनाना बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि उस मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मिलती है एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।